दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल रोशन की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, तो प्लीज मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 21 दिनों तक आप लोग घर में रहिए, तो प्लीज उनका सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप लोग अपने घरों में ही रहें। जब भी आप लोगों को जरूरत की सामान लेना हो, तभी एक लोग जाएं और जरूरत का सामान लेके घर आ जाएं। और घर में एंटर करने से पहले आप लोग प्लीज अपना हाथ पैर मुंह सभी चीज साबुन से अच्छी तरीके से धुलें, तभी घर में प्रवेश करें। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं हैप्पी नवरात्रि। और चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखा है। आपको सबसे पहले ऊपर पाठ योजना संख्या लिखना होता है, उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। आपको यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है कोई विद्यालय का नाम, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद कक्षा लिखना है। हमारी ये आज की जो क्लास है वो 7th है, कक्षा 7 है, वर्ग है अ, अ बस अ, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं आप। विषय है हमारा आज का गणित, उप विषय है अंक गणित, कालांश है प्रथम। कालांश के बारे में डिटेल में अगर जानना है आपको गणित विषय के, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अवधि है 36 से 40 मिनट और दिनांक आपको डालना है जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। और उसके बाद देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है लाभ और हानि। इसके बाद हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य पे। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोज में बताता हूँ, सामान्य उद्देश्य आपके विषय और उप विषय के ऊपर होता है। तो विषय है हमारा आज का, जैसा कि आपको पता है, गणित। तो गणित के विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ये आप 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। चौथा है विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। पांचवा है छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और छठा है छात्रों में समय अनुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। ये था सामान्य उद्देश्य। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं जल्द ही कोरोना वायरस से जुड़े कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जिससे आप लोगों को आने वाले जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को उसके साथ साथ कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां भी आप लोगों को मिलेंगी कि कैसे उससे बचाव करें, कैसे उससे सुरक्षा करें अपने परिवार की, किन किन चीजों की, सारी चीजें यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके जो होता है वो प्रकरण के ऊपर होता है, जो आप आज का लेसन प्लान पढ़ाएंगे, लाभ और हानि, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होता है। इसको भी आप मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्र छात्रा वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय मूल्य के विषय में बता सकेंगे। दूसरा है छात्र छात्रा को वस्तु के लाभ तथा हानि के विषय में बताएंगे। तीसरा है छात्र छात्रा को लाभ तथा हानि के प्रतिशत के विषय में बताएंगे। चौथा है छात्र छात्रा को लाभ हानि के प्रतिशत के सूत्र के से परिचित कराएंगे। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वो होता है जो सामग्री आप लोगों को पढ़ाते समय जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौक, लपेट श्यामपट और डस्टर, इन सब चीजों की यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए आपको लिखना है छात्र छात्रा लाभ तथा हानि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये है पूर्व ज्ञान। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न देख सकते हैं, इसमें 3 कॉलम बनाने हैं आपको, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन, या उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे क्रय मूल्य। दूसरा है कोई वस्तु जितने में बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे विक्रय मूल्य। तीसरा प्रश्न है आपका, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो फायदा होगा या नुकसान, तो बच्चे बता देंगे फायदा। चौथा प्रश्न है फायदा या नुकसान को और किन शब्दों में परिभाषित करते हैं, तो बच्चे बता देंगे लाभ और हानि, यहाँ से आपका प्रकरण निकल जाएगा। उसके बाद आपको पांचवा प्रश्न पूछना है लाभ हानि का सूत्र बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये आपका था प्रस्तावना प्रश्न। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद आपको लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देख लीजिए यहाँ पे लिखा है बच्चों आज हम लाभ हानि तथा प्रतिशत लाभ हानि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये था हमारा लाभ हानि का उद्देश्य कथन और प्रस्तावना प्रश्न। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा,
उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण अधिगम व्यवस्था यहाँ पे लिखना है, उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियां और श्याम पटकार, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इतनी चीजें कॉलम बनाना है, ऐसे 5 कॉलम। उसके बाद इसमें प्रथम अनुमति लिखना है, लाभ हानि के बारे में बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को फैक्ट्री या सेल से होलसेल विक्रेता से खरीदता है तथा फिर उसे अपने ग्राहक को बेचता है। यदि वह दुकानदार उस वस्तु को खरीदे गए कीमत से अधिक कीमत पर बेचता है तो लाभ होगा। एक व्यापारी हमेशा लाभ के लिए ही प्रयत्न करता है, पर कुछ विशेष कारणों से उसे वस्तु खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, इस दशा में उसे हानि प्राप्त होगा। ये था आपका व्याख्यान विधि। प्रयुक्त विधि में आपको व्याख्यान विधि लिखना है और छात्र छात्रा कथन में लिखना है। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद एक उदाहरण ले लीजिए। यदि एक दुकानदार एक साइकिल 1400 रूपये में खरीदता है तथा 1500 रूपये में बेचता है तो उसे 100 रूपये का लाभ होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये उदाहरण विधि थी तो उदाहरण विधि हो जाएगा। क्रय मूल्य का यहाँ पे श्याम पटकार में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना होता है। क्रय मूल्य के बारे में यहाँ पे लिख दीजिए, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन में भी आपको ये सारी चीजें लिख देनी है। उसके बाद द्वितीय अनुमति पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रथम अनुमति या द्वितीय अनुमति क्या है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आप लोग किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पहले दिन अगर लेसन प्लान कोई पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस है और लाभ हानि है, जैसे इसको अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने गए तो एक ही दिन में तो आपका लाभ हानि खत्म नहीं हो जाएगा। तो अगर एक दिन में नहीं खत्म होगा तो दूसरे दिन भी वही पढ़ाएंगे। तो जब प्रथम फर्स्ट डे आप पढ़ाने जाएंगे तो उसको प्रथम अनुमति लिखते हैं, सेकंड डे पढ़ाने जाएंगे तो उसको द्वितीय अनुमति लिखेंगे, तीसरे दिन पढ़ाने जाएंगे तो उसको तृतीय अनुमति लिखेंगे, ऐसे चलता जाएगा वो। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में आपको द्वितीय अनुमति लिख देना है, उसके बाद आपको बताना है। छात्राध्यापिका कथन में विक्रय मूल्य के बारे में, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, विक्रय मूल्य के बारे में श्याम पट पे लिख दीजिए आप। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो उसको हानि होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। यहाँ पे लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से आपको हानि होगा। उसके बाद लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र, 100 रूपये पर जितना लाभ हानि होता है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, अतः प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत हानि होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये भी प्रतिशत में निकल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये उदाहरण विधि थी तो उदाहरण विधि लिख दीजिए और यहाँ पे उदाहरण के द्वारा इसको समझा दीजिए पूरा डिटेल में, एक एग्जाम्पल लेके। उसके बाद चलते हैं अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप देख लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पुनरावृत्ति के प्रश्न में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आप 40 मिनट के क्लास में, और ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो कि आपने क्लास में जल्दी ही पढ़ाया है। और ये प्रश्न बच्चों के लिए होता है कि बच्चों का ध्यान अगर 40 मिनट में इधर उधर भटक रहा है तो उनको प्रश्न पूछ के अपनी ओर आकर्षित करें और उनका ध्यान पढ़ाई में फिर से लगाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है क्रय मूल्य किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, शिक्षक या फिर छात्राध्यापिका छात्राध्यापक अपने लिए करता है कि जो आपने 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आ गया है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। इसमें देख सकते हैं, पहला प्रश्न है प्रतिशत लाभ का सूत्र बताइए, दूसरा प्रश्न है प्रतिशत हानि का सूत्र बताइए। ये था मूल्यांकन का प्रश्न, इसमें भी आप 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको गृह कार्य दे देना है बच्चों को। गृह कार्य में एक प्रश्न ऐसा दीजिए जो बच्चे आसानी से कर लें और उनको कुछ ध्यान से समझने में दिक्कत न हो, समझ के वो प्रश्न कर सकें। अगर छोटा प्रश्न है तो आप 2 से 3 प्रश्न भी दे सकते हैं, और बड़ा प्रश्न है आप तो एक दो प्रश्न भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, गृह कार्य में दिया है मैंने, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 हो तथा विक्रय मूल्य 2500 हो तो प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत हानि का की गणना कीजिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, अपने चैनल रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, मैं जल्द ही कोरोना वायरस से जुड़े हुए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊंगा, जिसके लिए आप लोग
तैयार रहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। और पाठ योजना से रिलेटेड चीजों के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किन चीजों की जरूरत है, किस पाठ योजना की जरूरत है, किस क्लास के लिए आपको पाठ योजना चाहिए, किस प्रकरण पे आप लोगों को पाठ योजना चाहिए, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर आप लोग अबाउट अस में जाके, मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट अस में जाके आप लोग मेल भी कर सकते हैं मुझे, मैं वहां से भी पढ़ के आप लोगों को उसका जो पाठ योजना बना के आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो देर न करते हुए चलिए आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।